मोटापा और मोटापे के लिए योगाभ्यास कैसे कर सकते हैं आप? ऑबेसिटी को योग के द्वारा कंट्रोल, मोटापा नहीं रहेगा योग से निश्चित रूप से। बस आपको करना पड़ेगा प्राणायाम, और मोटापा जिन कारणों से हो रहा था उनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मोटापे का मुख्य कारण है शारीरिक श्रम का अभाव, इसलिए थोड़ी श्रमशीलता लाएं जीवन में, थोड़ी देर प्राणायाम करना प्रारंभ करें पहले, फिर धीरे धीरे अभ्यास आपका बढ़ेगा तो आप और अधिक लंबे समय तक कर सकेंगे। श्रमशीलता का अभाव, शारीरिक श्रम का अभाव एक मुख्य कारण मोटापे। कुछ लोगों को वंशानुगत भी होता है तो कुछ लोगों को थायराइड के कारण से, और वंशानुगत जो होगा उसको आप वंश की परंपरा में जो चला आया था उसको मैं ये कहूं कि आप पूरी तरह से मिटा देंगे ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, आपने यदि प्राणायाम योग अभ्यास करना शुरू कर दिया तो वो आपको मोटापा परेशान नहीं करेगा। अर्थात योगाभ्यास प्रारंभ से ही आपने करना शुरू कर दिया तो वंशानुगत रूप से होने वाला मोटापा आपको ज्यादा बाधित नहीं करेगा। थोड़ा बहुत 5-7 किलो ज्यादा वजन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिन घरों में परिवारों में 90-90 एक-एक क्विंटल के 90-90 किलो और एक-एक क्विंटल के जो व्यक्ति होते हैं वो समस्या आपको नहीं घेरेगी। ज्यादा खाना भी मोटापे का कारण है, मोटापे का एक कारण ज्यादा खाना, बार बार खाना, भूख से कम खाएं हमेशा आप, सुबह उठ करके पानी जरूर पिए आप और खाने के घंटे बाद पानी पिए, मीठे का प्रयोग ज्यादा ना करें आप, घी और मीठा ये दोनों ही मोटापे को बढ़ाते हैं, इनसे भी बचे। पूरे विश्व के अंदर 20-40% युवा मोटापे की चपेट में है, 20-40% युवा वर्ग दुनिया का मोटापे से पीड़ित है, और 10-20% पूरी दुनिया के बच्चे मोटापे से ग्रसित है। बहुत बड़ी बात आपको मैं कह रहा हूं कि योग से ये सारे लोग, माने करीब 200 करोड़ लोग कम से कम मोटापे से पीड़ित है, और यूं देखा जाए तो वो थोड़े लोग होंगे, कम से कम वो जो संपन्न है, जो समृद्ध है, शहरों के लोग हैं, बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जिनको वजन बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा ऐसे लोग मिलेंगे जिनको घटाने की आवश्यकता है। अब यदि वजन किसी का कम ही हो तो योगाभ्यास करना, कपालभाती, प्राणायाम और ये संपूर्ण योगाभ्यास से आपका पाचन तंत्र अच्छा होगा, और आप अश्वगंधा चूर्ण एक एक चम्मच खा लेना तो आपका वजन यदि कम है तो नॉर्मल हो जाएगा। अब बढ़ी हुई वजन के लिए अश्वगंधा चूर्ण, इसके लिए अश्वगंधा के पत्ते होंगे हम बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास के द्वारा किस तरह से आप अपनी मोटापे पर नियंत्रण पा सकते हैं, और मोटापा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम आ घेरती है, क्योंकि जब पेट पर ज्यादा फैट बढ़ा तो फिर पेनक्रियाज ने काम करना कम शुरू कर दिया तो फिर आप डायबिटीज की चपेट में आ गए। मोटापा जब बढ़ा तो फिर घुटनों पर ओवरलोड हुआ, मोटापे के कारण से फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापे के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापे के कारण से डायबिटीज की प्रॉब्लम, मोटापे के कारण से फिर आपको डिप्रेशन आने लगता है, क्योंकि जब आप औरों से ज्यादा मोटे जाते ठीक से काम नहीं कर पाते, घर में भी डांट पड़ती है और खुद भी ऐसा लगता है हम असहाय से हो गए, आत्मनिर्भरता आएगी, प्राणायाम से योग से मोटापा भी दूर होगा, मोटापे के कारण से होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा, जब मोटापा ही दूर हो जाएगा। मोटापा जब ज्यादा बढ़ गया तो फिर कमर में भी दर्द होने लगता है, क्योंकि जब पेट ज्यादा बढ़ गया तो फिर कमर का बैलेंस बिगड़ गया, और यूं पेट आगे सामने तन गया, कमर पीछे से झुक गई। इसलिए आप प्राणायाम करना, पहले मुख्य प्राणायाम 7, और इसमें एक खास और भी प्राणायाम आप जोड़ेंगे, क्योंकि बहुतों को थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ जाता है, पानी भी पीते हैं तो वो भी शरीर में लगता है। T3, T4, TSH लेवल एकदम नॉर्मल हो जाता है प्राणायाम से, और 100% क्योर हो जाता है थायराइड भी। एक खास बात आपको बता रहा हूं, प्राणायाम यही करना, बस श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले, आपको यदि मोटापा ही खास है तो आप श्वासों को बाहर छोड़ते हुए बस ये विचार करना मोटापा बाहर निकल रहा है, श्वासों को भरते समय विचार करना कि दिव्यता भीतर उतर रही है। ये 2 मिनट कर लेना, 2 मिनट रोज भस्त्रिका प्राणायाम। वक्त आपके पास ज्यादा तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा कपालभाति प्राणायाम आपको करना है, आप यदि मोटापे से पीड़ित हैं तो इसलिए इसको 2 ही मिनट रोज कर लेना पहले।
थक जाए तो बीच में रुक जाना एक बार, भस्त्रिका प्राणायाम, श्वासों को भीतर फेफड़ों में गहरा भरना, छोड़ देना। प्राणायाम में खास सावधानी, खाली पेट करें। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, अल्सर की प्रॉब्लम है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कमजोरी, तो आप कमर में दर्द है तो आप इसको तेजी से नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है, कोई भी प्राणायाम, और रोकना है ही नहीं। इसलिए इस प्राणायाम में 1% भी कोई भी हानि होने की संभावना नहीं, बस थोड़ा सा जागरूकता के साथ करना, प्रसन्नता के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना।